हेलो दोस्त, आप सभी को नमस्कार। दोस्त देखिए, जादंग में अखंड कीर्तन समापन हो चुका है। समापन होने के अगले दिन देखिए खिचड़ी का प्रसाद वितरण होता है जो कि खिलाया जाता है। देखिए माँ का आशीर्वाद बन रहा है, खिचड़ी बना। देखिए पवन कुमार, सूरज यानी दीपू भैया सब्जी काट रहे हैं, खिचड़ी बनेगा। खिचड़ी देखते हैं किस तरह का ये लोग सब्जी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। देखिए सब मटेरियल कट रहा है, आलू कट रहा है, गोभी कट रहा है, सब कुछ कट रहा है। ये देखिए दाल रखा हुआ है। देखिए ये धर्मेंद्र भैया, धर्मेंद्र भैया हमारे गांव के एकदम हलवाई है, समझ के हलवाई है। इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि लाजवाब हलवाई भी इनके आगे फेल हो जाता है। बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जब गांव में समाज कार्य होता है तभी ये खाना बनाते हैं, एकदम बेस्ट खाना बनाते हैं। ये देखिए हमारे गाँव के बुजुर्ग लोग, ये देखिए ओपी जी इधर बैठ गए, ओपी जी। देखिए गाँव के श्रीकांत भैया, देखिए श्रीकांत भैया गमछी ओढ़े हुए हैं, इनका लैब है, SRL लैब है एम्स के पास। ये देखिए देखिए सब्जी कट रहा है, देखिए दीपू भैया काट रहे हैं सब्जी। देखते रहिए दोस्त, खिचड़ी जो होगा आगे भी दिखाएंगे आपको, कैसा बना कैसा खा के सब कुछ दिखाएंगे। देखिए सूरज काट रहे हैं, पवन सर भी काट रहे हैं, इन लोग का सहयोग बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें देख रहे हैं धर्मेंद्र भी पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं खिचड़ी बनाने में। ये देखिए इनके हाथ का बना हुआ खाना तो लाजवाब है, कोई नुक्स नहीं निकाल जाता, बहुत टेस्टी। ये देखिए चावल धोआ गया है, साफ़ हो गया, अब डलाएगा। देख सकते हैं चावल, देखिए टब चढ़ा हुआ है। देखिए चावल किस तरह से रखा जा रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसा ऐसा कार्य होता है जब समाज में लोग खाने के साथ बैठते थे, एक अलग ही आनंद मिलता है, समझ के रेस्टोरेंट और पार्टी सब फैल। इसका माहौल कुछ अलग है दोस्तों। अगर ऐसा लगता है, अगर आपने ऐसा पार्टी किया हो तो जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए इधर विकास भी है, राहुल जी बैठे हुए हैं सबको। ये देखिए AR क्रिएटर अजय कुमार भी गुपचुप कर रहे हैं। ये देखिए इधर प्रियांशु कुमार, बकवास पैक्स आदित्य, देखिए बाला भी है। देखते रहिए बहुत सारे लोग हैं, अभी तो और बाकी हैं, खाना बनेगा तो बहुत सारे आएंगे, अभी तो काम करने का टाइम है, तभी कोई नहीं आ रहा। ये देखिए तेरे हमारे यही गांव का मंदिर, अपने पहले की वीडियो में देखा था, यहीं पर पूजा हुआ था। ये देखिए कुंड भी बना हुआ है, अखंड कीर्तन हुआ था 3 घंटे का। ये देखिए बेला बैठे हुए, पप्पू जी बैठे हुए हैं, साला झुकेगा नहीं। ये देखिए इसका यही डायलॉग का भरा दिन यही भक्त रहता है। ये देखिए रोशन इधर बैठा हुआ है, इधर देखिए गाँव के छोटे छोटे बच्चे सब बैठे हुए हैं, भक्तोदी कर रहे हैं। ये देखिए चावल, देखिए चावल, ये देखिए सब्जी कटेंगे अब। ये देखिए चावल डल चुका है, ये देखिए देखिए कितना ज़्यादा सा लग रहा है, वाह आनंद, मज़ा आता है फूल इंजॉय के साथ। ये देखिए देखिए अब फ्राई हो रहा है, खिचड़ी बन चुका है, वीडियो नहीं दिखा। ये देखिए जो भी मटेरियल कटा था, गोभी मूली प्याज वगैरह सब इसमें भून जाएगा और सीधे खिचड़ी में डाला जाएगा, डलते हुए आपको दिखाएंगे। ये देखिए धर्मेंद्र को समझाते हुए इस तरह से होना चाहिए, पूरा एकदम जोर शोर से एकदम मन के साथ बनाते हैं तो और टेस्टी बनता है। इनके हाथ का बना हुआ खाना एकदम कोई खराब नहीं करता, हर चीज़ एकदम बेस्ट। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए फ्राई हो चुका है और ये देखिए खिचड़ी में डल चुका है। ये देखिए खिचड़ी, क्या सुगंध है, सुगंध इतना अच्छा रहता है, मत सुनो सुगंध जब इतना अच्छा हो तो खिचड़ी का टेस्ट आप समझ सकते कितना अच्छा होगा, मन में होगा, मज़ा आ रहा दोस्त। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, अच्छे प्यार उतार दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग का प्यार बहुत मिल रहा है, आप सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। ये देखिए मछली वाला बुन जा रहा है, मज़ा आएगा। ये देखिए मछली वाला बुन जा रहा है, मम्मी तक पानी अपना गर्मी निकाल के खा लें। ये देखिए देख सकते हैं, ये देखिए लगे हुए थे मंत्र के। ये देखिए गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग खोदी करते हैं, खेलते हैं, कभी कभी जो पकड़ा दे वो जाएगा, देखते कौन पकड़ाता है। ये देखिए पूरा पकड़ा के पीट दिया, अरे अरे आराम से आराम से। खिचड़ी कैसे ना, खिचड़ी कैसे ना, खिचड़ी खिचड़ी मिठाई प्रशांत प्रशांत खिचड़ी अमना खिचड़ी कैसे ना, कैसे ना खिचड़ी कितने का बोल ऐसे कर, ऐसे करता। ये देखिए आरी बारी है, आरी बारी कैसे ना, अच्छा बेला डाली कौन मरीज है, कौन मरीज है, लेवल आइस्टिश वाला करवा कैसा ना हो, ठीक हो। ये देखिए जगह बाबा कटवा बाबा कैसा ना हो।
ये देखिए हमारे गांव के बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन जो ऊपर से 40 45 60 वाले लोग, इनका भी बहुत सहयोग था। ये देखिए आजाद भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, चिवड़ा पुल पर इनका क्लिनिक है, आइएगा जरूर।